बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पैपिले ऑफ टंग। इसके पहले मैंने टंग का बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया है, एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ा दिया है। तो अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज जाके गो थ्रू कर लो, इससे आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टंग का पूरा पोर्शन कम्प्लीट हो जाएगा, सो लेट्स स्टार्ट। तो आता है सबसे पहला जो टॉपिक आता है पैपिला, ठीक है। तो पैपिले होते क्या, होता क्या है, तो ये एक प्रोजेक्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट में, डेट इज आप बोल सकते हो ओरल पार्ट में। तो जो बेसिकली पैपिले है वो ओरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो चार तरह के पैपिले होते हैं, कौन कौन से, पहला है वैलेट, दूसरा फंगीफॉर्म, तीसरा फिलीफॉर्म और चौथा फोलिएट। तो चलिए अभी हम लोग एक एक स्टडी करेंगे हर पैपिले का क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैसा रहता है, उसके नंबर कितने होते हैं। तो पहला हमारा आता है वैलेट और सर्कम वैलेट, ये सबसे बड़ा होता है, लार्ज इन साइज रहता है, और इसका जो नंबर रहता है 8 to 12, ठीक है। और ये जस्ट सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट नीचे पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका हो गया सल्कस टर्मिनलिस, ठीक है, ये टंग है, ये आपका हो गया सल्कस टर्मिनलिस, एंड यहाँ पे जो पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे वैलेट और सर्कम वैलेट पैपिले, ठीक है। तो इसलिए बोला गया ये जस्ट सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट नीचे पाया जाएगा। फिर आता है हमारा फंगीफॉर्म पैपिले, ये वैलेट, इसका जो साइज होता है फंगीफॉर्म का वो वैलेट और फिलीफॉर्म के बीच का साइज होता है, ये बहुत सारा होता है, मतलब न्यूमरस होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो, मतलब ये टिप पे प्रेजेंट रहता है, इस साइड जो टिप है ना वहां पे प्रेजेंट रहेगा, एंड थोड़ा थोड़ा डॉर्सम पे भी स्कैटर्ड रहेगा। थर्ड आता है हमारा फिलीफॉर्म और कॉनिकल, इसको हम लोग कॉनिकल भी बोलते हैं, ये सबसे छोटा होता है एंड ये मोस्ट न्यूमरस रहता है, एंड यहाँ का जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है टंग का, यहाँ पे ये पूरा फिलीफॉर्म पाया जाएगा, इसीलिए इसको ये एक तरह से टंग को वेलवेटी अपीयरेंस देता है। अब हमारा चौथा आता है फोलिएट, ये कुछ ही पाया जाता है, और ये सल्कस टर्मिनलिस के दोनों साइड पे प्रेजेंट रहता है बायलेटरली, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, दिस इज फोलिएट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पैपिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो वैलेट है सकम वैलेट, उसमें जो पैपिले होते हैं वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होते हैं, और वो चारों तरफ सर्कुलर सल्कस से सराउंड होते हैं। फिर हम देखेंगे फंगीफॉर्म पैपिले, वो नैरो पेडिसल होगा और उसका जो हेड होगा लार्ज और राउंडेड होगा। थर्ड है फिलीफॉर्म पैपिले के बारे में, वो पॉइंटेड होता है और वो केराटिन प्रोटीन से कवर्ड रहता है। और फोर्थ का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बताया नहीं गया है। तो अभी हमने देखा फोर टाइप्स ऑफ पैपिला, लेकिन ह्यूमन में सिर्फ तीन तरह के ही फंक्शनल पैपिले होते हैं, कौन कौन से, पहला फंगीफॉर्म, दूसरा फिलीफॉर्म एंड तीसरा सर्कमवैलेट। फंगीफॉर्म पैपिले में टेस्ट बड पाया जाएगा, फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं पाया जाता, और सर्कमवैलेट में टेस्ट बड पाया जाता है। और जो चौथा है फोलिएट, वो आप बोल सकते हैं ह्यूमन में या तो वेस्टिजियल होता है क्योंकि वो काम नहीं करता है, या फिर बोल सकते हैं एब्सेंट होता है, ठीक है। गस्टेटरी पैपिले क्या होता है, इसका मतलब होता है वैसा पैपिले जिसके पास टेस्ट बड होता है, हमने अभी देखा फिलीफॉर्म के पास टेस्ट बड नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, फंगीफॉर्म पैपिले, सर्कम वैलेट पैपिले एंड फोलिएट पैपिले। आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने फोलिएट पैपिले इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल पैपिले के बारे में बात किया था, इसीलिए मैंने फोलिएट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अब आता है टेस्ट बड पाया कहाँ जाता है, हमने पैपिले पढ़ लिया बट टेस्ट बड पाया कहाँ जाता है, तो टेस्ट बड है वो पैपिले के ऊपर या फिर उसके साइड्स में लोकेट होता है। अब हम लोग इसके मसल्स के बारे में बात करेंगे, टंग के मसल्स के बारे में, जो उसके मूवमेंट को रेगुलेट करता है। तो बेसिकली ये आपका टंग हो गया, ठीक है, आप इसको इमेजिन करो टंग। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक मिडल सेप्टम होता है, या बोल सकते हो फॉरो लाइक स्ट्रक्चर, जो टंग को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब आप अगर आप इसका एक हाफ उठाओगे, वन हाफ दिस इज, ठीक है, तो ये हाफ में चार इंट्रिंसिक और चार एक्सट्रिंसिक मसल्स पाए जाते हैं। सो ओवरऑल टंग में 16 मसल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल की डिटेल में देख लेते हैं कि हर का फंक्शन क्या क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रिंसिक मसल है वो टंग के शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है, जबकि एक्सट्रिंसिक मसल उसके रिपोजिशन करता है, टंग को रिपोजिशन करता है। जो इंट्रिंसिक मसल होता है वो टंग में ही प्रेजेंट होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक मसल वो टंग को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जोड़ता है। कैसे जोड़ेगा हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंट्रिंसिक मसल पे, जो बेसिकली चार तरह के होते हैं, पहला सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा ट्रांसवर्स एंड चौथा वर्टिकल। तो सबसे पहले देखो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, तो ये पाया जाता है जस्ट बीनिथ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इसका देखो यहाँ पे,
यहाँ पे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल पाया जाएगा, ये डॉर्सम हो गया ऊपर का सरफेस एंड ये आपका इन्फीरियर सरफेस हो गया टंग का, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे मैंने बोला सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल पाया जाएगा, तो ये क्या करेगा, टंग नॉर्मली इस पोजिशन में रहता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, तो ये टंग की डॉर्सम को कॉनकेव इस तरह का बना देता है, और आप देख सकते हो टंग इससे छोटा हो गया। तो बेसिकली सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल का काम ये है कि वो टंग के डॉर्सम को कॉनकेव बनाएगा और टंग को शॉर्टन करेगा, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो पीछे की तरफ मतलब इन्फीरियर सरफेस ऑफ टंग में पाया जाएगा, और ये भी होता है कि ये जो है जेन्यू ग्लोसस और हाइपोग्लोसस के बीच में पाया जाता है। ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये होता क्या, इसका काम क्या है, ये भी टंग को शॉर्टन करता है। कैसे शॉर्टन करेगा, ये टंग को शॉर्टन करेगा और जो डॉर्सम है उसको कॉन्वेक्स बनाएगा। तो ये आपका हो गया डॉर्सम इन्फीरियर सरफेस, तो ये जनरली इस पोर्शन में रहता है, तो इसमें भी टंग शॉर्टन हो रहा है, लेकिन ये शॉर्टन किस वजह से हो रहा है, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल से, एंड इसका डॉर्सम कॉन्वेक्स बन रहा है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या होता है, वो एक्सटेंड करता है कहाँ से, मीडियम सेप्टम टू मार्जिन। तो ये आपका हो गया मीडियम सेप्टम, ठीक है, ये मीडियम सेप्टम हो गया और ये आपका मार्जिन हो गया। तो ये टंग को इस तरह से शेप कर प्रोवाइड करेगा, कौन, ट्रांसवर्स मसल। तो ये टंग को क्या किया, आप इसका फंक्शन देख सकते हो, टंग को नैरो बनाया और इलोंगेटेड बनाया, नैरो एंड देन इलोंगेटेड। हमारा चौथा आता है वो वर्टिकल, ये पाया जाएगा फाउंड एट द बॉर्डर ऑफ एंटीरियर पार्ट, और ये टंग को ब्रॉडर और फ्लैटर बना सकता है। आप ऐसे बोल सकते हो वर्टिकल मतलब दिस इज, तो ये टंग को बना रहा आपका ब्रॉडर और फ्लैटर, आप देख सकते हो टंग को ये ब्रॉडर और फ्लैटर बना रहा है। अब आता है एक्सट्रिंसिक मसल, उसके भी मैंने बताया था आपको चार पार्ट, कौन कौन से, जेनियोग्लोसस, हाइपोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड पैलेटोग्लोसस। तो इसमें जो है वो टंग बेसिकली अटैच होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर से। तो जेनियोग्लोसस में क्या होता है, टंग मैंडिबल से अटैच होता है। हाइपोग्लोसस में आपको नाम से पता चलेगा, हाइपो मतलब हायोइड बोन से। स्टाइलोग्लोसस में टंग स्टिलोइड प्रोसेस से अटैच होता है, और पैलेटोग्लोसस में टंग पैलेट से अटैच होता है। तो अभी हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखेंगे फिर उसके फंक्शन देखेंगे। तो सब देखो आप, यहाँ पे मैंने बनाया है दिस इज टंग, ठीक है, पैलेट ऊपर पाया जाएगा, हॉयड बोन नीचे, स्टिलोइड प्रोसेस पीछे एंड मैंडिबल बोन आगे। तो सबसे पहले देखो, जब वो पैलेट से जब अटैच करेगा टंग, तो टंग ऊपर की तरफ जब जाएगा तो क्या कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, पैलेटोग्लोसस का इलेवेट टंग, ठीक है। जब टंग मैंडिबल से अटैच होगा तो इसका काम क्या है, मतलब ये आगे की तरफ आएगा, तो ये क्या कर रहा है, प्रोट्रूड टंग। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोट्रूड टंग आगे की तरफ लाना। तीसरा है हमारा हॉयड बोन। तो हॉयड बोन से जब टंग अटैच होगा तो क्या करेगा, नीचे की तरफ लाएगा टंग को। तो मतलब आप बोल सकते हो इसका फंक्शन क्या है, डिप्रेस टंग, हाइपोग्लोसस मसल्स का फंक्शन डिप्रेस टंग। और जब टंग स्टिलोइड प्रोसेस से अटैच होगा तो क्या करेगा, टंग को पीछे की तरफ लाएगा। तो स्टाइलोग्लोसस का फंक्शन क्या, रिट्रैक्ट द टंग, और यू कैन से पुल इट अपवर्ड और बैकवर्ड। तो हमारा अभी टंग का, टंग के जितने भी मसल्स पाए जाते हैं टंग में, वो मैंने सारा बता दिया। अभी हम आते हैं बढ़ते आगे ब्लड सप्लाई के बारे में। तो सबसे पहले मैंने ब्लड सप्लाई में लिखा आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, तो मैंने इसमें ज्यादा नाम नहीं लिखे, मैंने जो मेन नाम था वो भी लिखा है। तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, टंग में कौन सा आर्टरी जाता है, तो वो टॉर्चस लिंगुअल आर्टरी जाता है, जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है। और दूसरा वेनस सप्लाई में देखेंगे हम, तो इसमें प्रिंसिपल वेन पाया जाता है, डीप लिंगुअल वेन, जो मैंने आपको बताया था प्लाइका सेमिलोनारिस के जस्ट आइदर साइड में डीप लिंगुअल वेन पाया जाता है। अब आता है हमारा नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में बेसिकली दो तरह के नर्व होते हैं, एक तो सेंसरी नर्व और एक मोटर नर्व, ठीक है। तो सेंसरी नर्व आपको पता है कि जो रिसेप्टर, जो भी सेंसेशन होता है, जो भी इम्पल्स होता है, उसको लाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और मोटर नर्व उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो जो सेंसरी नर्व हम देखेंगे सबसे पहले एंटीरियर टू थर्ड मतलब ओरल पार्ट पे वो कैसे प्रेजेंट रहता है। तो ओरल पार्ट पे दो तरह का नर्व पाया जाएगा, पहला तो कोडा टिम्पैनी और दूसरा लिंगुअल नर्व। तो कोडा टिम्पैनी एक तरह का ब्रांच है फेशियल नर्व का, जो क्रैनियल नर्व में 7 नंबर पे आता है, जबकि लिंगुअल नर्व जो है वो मैंडिबुलर क्रैनियल नर्व का ब्रांच है, जो 5 नंबर पे आता है। कोडा टिम्पैनी क्या करता है, वो नर्व ऑफ टेस्ट, आप बोल सकते हो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्पेशल सेंसेशन के लिए, जबकि लिंगुअल नर्व नर्व फॉर जनरल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा आता है पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, लास्ट का फेरिंजियल पार्ट। इसमें मैंने वैलेट पैपिले को भी इंक्लूड किया, इस पे मैंने एंटीरियर 2/3 में वैलेट को इंक्लूड नहीं किया था, बट पोस्टीरियर 1/3 में वैलेट भी इंक्लूड होगा। और इसमें ग्लोसोफेरिंजियल नर्व पाया जाता है, जो सेंसेशन और टेस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
फिर हमारा लास्ट आता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, मतलब फेरिंजियल पार्ट के भी पीछे, जिसमें नर्व सप्लाई होता है वेगस नर्व का। तो आप बेसिकली देख सकते हो सेंसरी नर्व में कौन कौन से क्रेनियल नर्व इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 5 मैंडिबुलर नर्व, 7 फेशियल नर्व, 9 ग्लोसोफेरिंजियल नर्व एंड 10 वेगस नर्व। ये सब क्रेनियल नर्व सेंसरी नर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द टंग। अब आते हैं हम मोटर नर्व पे। मोटर नर्व में क्या होता है कि जो वो रिस्पॉन्स देता है, टंग बाहर के जो भी स्टिमुलस मिला उसको रिस्पॉन्ड देता है, तो वो मोटर नर्व के द्वारा देगा। तो जितने भी मसल्स पाए जाते हैं टंग में, उसमें सब हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व 12 नंबर का क्रेनियल नर्व है, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस को छोड़ के सारे मसल्स में नर्व सप्लाई हाइपोग्लोसल नर्व का होता है। और पैलेटोग्लॉसस में स्पेशल नर्व का सप्लाई होता है, कौन सा? क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। अब देखते हम लोग है हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले जो बल्क ऑफ टंग, जो भी बल्क होता है टंग का, सबसे पहले तो वो स्टेरिएटेड मसल से प्रेजेंट, इसमें वो स्टेरिएटेड मसल से बना हुआ होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था वॉलेंट्री मसल, वही है स्टेरिएटेड मसल। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पहला तो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहता है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड रहता है। वो बेसिकली तीन पार्ट में बांटा हुआ है उसको, ओरल पार्ट, फेरिंजियल पार्ट और इन्फीरियर सरफेस। ओरल पार्ट थिन और वो पैपेले से बना हुआ रहता है, या फिर आप बोल सकते हो पैपेले बनाता है। फेरिंजियल पार्ट में लिम्फोइड फॉलिकल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, वो आगे चलकर लिंगुअल टॉन्सिल का फॉर्मेशन करते हैं। और इन्फीरियर सरफेस थिन और स्मूथ रहता है क्योंकि वहां पर कोई भी पैपेले प्रेजेंट नहीं होता। म्यूकस मेम्ब्रेन में ही म्यूकस और सेरस ग्लैंड पाया जाएगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डीप होगा। और एक और पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, ये मिड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, जो मिड इन फोरो बताया था, यहाँ पे कोई भी टेस्ट बर्ड पाया नहीं जाएगा। तो लास्ट में मैंने वही लिखा है, टेस्ट बर्ड एब्सेंट इन मिड डॉर्सल रीजन ऑफ ओरल पार्ट। अब हम लोग देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। ये भी एक अच्छा पोर्शन आप बोल सकते हो कवर करता है टंग में, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो पहला है ग्लॉसिटिस और स्टोमेटिस। ये इसका कंडीशन क्या होता है ना कि माउथ कैविटी में अल्सरेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इस डिजीज को हम लोग बोल देंगे, एक तरह से बोल सकते हो ग्लॉसिटिस और स्टोमेटिस। दूसरा है कैंसर ऑफ टंग, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। बहुत सारे लोग लेते हैं गुटखा वगैरह जो भी खाते हैं, जो टंग के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसकी वजह से टंग कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया आज के जनरेशन में। और तीसरा एट्रोपी ऑफ फिलिफॉर्म पैपेले। कुछ सर्टेन अनेमिया में क्या होता है ना, फिलिफॉर्म पैपेले का एट्रॉफी हो जाता है, बोल सकते हैं एक तरह से काम करना वो बंद कर देता है, या फिर उसका रिडक्शन इन साइज हो जाता है। तो उसकी वजह से जो टंग है वो पूरा स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टंग का एनाटॉमी खत्म हुआ। मैंने सारे पोर्शन लगभग टंग के कंप्लीट करा दिए एनाटॉमी के से रिलेटेड। सो आई होप कि आपको टंग का जो भी मैंने बेसिक एनाटॉमी पढ़ाया आपको समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी, आई हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।